जिले भर के शासकीय महाविद्यालयों में इन दिनों सीएलसी राउंड का पांचवा चरण चल रहा है और प्रवेश प्रक्रिया जारी है। इस बीच दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य भी चल रहा है। विद्यार्थी महाविद्यालय पहुंच रहे हैं और दस्तावेजों का सत्यापन करवा रहे हैं। विद्यार्थियों को हो रही परेशानी को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने दस्तावेज के सत्यापन की तिथि बढ़ाकर 12 दिसंबर कर दी है। अब विद्यार्थी 12 दिसंबर तक संबंधित महाविद्यालयों में पहुंचकर दस्तावेजों का सत्यापन करवा सकते हैं। पीजी कॉलेज प्राचार्य एलन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि स्नातक प्रथम और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में जिन विद्यार्थियों ने प्रवेश ले लिया है और उनके दस्तावेज का सत्यापन 18 नवंबर से चल रहा है, उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त आदेशानुसार अब तारीख बढ़ा दी गई है। अब विद्यार्थी 12 दिसंबर तक जिले के शासकीय महाविद्यालयों में पहुंचकर दस्तावेजों का सत्यापन करवा सकते हैं। यह भी बताया गया है कि जिन विद्यार्थियों ने प्रवेश ले लिया है वे संबंधित महाविद्यालय में ऑनलाइन फॉर्म की 7 TC, माइग्रेन प्रमाण पत्र, मूल निवासी, जाति, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अंक सूची, बैंक पासबुक की प्रतिलिपि जमा करवा सकते हैं। स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में जिन विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है अब उनके प्रवेश फॉर्म, उनके दस्तावेजों का सत्यापन 18 नवंबर से महाविद्यालय में प्रारंभ हो चुका है और ये दस्तावेजों का सत्यापन 12 दिसंबर तक चलेगा। तो जिन विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है वे अपने ऑनलाइन जो फॉर्म भरा है वो समस्त प्रकार की अंक सूचियाँ, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, TC ओरिजिनल, माइग्रेशन, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, उनकी बैंक पासबुक की फोटोकॉपी आदि सभी वे 18 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच महाविद्यालय में आकर के जमा करा सकते हैं। विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षाएं जारी हैं। केवल उन्हीं विद्यार्थियों को महाविद्यालय आना है जो प्रथम वर्ष में एडमिशन लेकर के अब फॉर्म जमा कराने आ रहे हैं और स्नातकोत्तर में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेकर के अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराने महाविद्यालय आ रहे हैं।